अच्छा ये बताएं आप लोगों से निदा यासर फ्लेवर में सवाल करूंगा। निदा यासर फ्लेवर में तो ईद कैसे मनाते हैं? ईद कैसे मनाते हैं सुनील भाई? फॉर्मूला वन से नहीं मनाते लेकिन ईद बस ये होती है, ईद की नमाज पढ़ते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, बच्चों के साथ ईद मनाते हैं। असल ईद तो बच्चों की होती है और बस उनको देखते हैं, एंजॉय करते हैं। लड़कियों की भी होती है, बच्चों को देखते रहते हैं। यानी हमारी ईद होती है, दूसरों के बच्चे आप देखते रहते हैं? नहीं, अपने बच्चे देखते हैं, दूसरों के क्यों देखने? अपने बच्चे देखते हैं। मेरे बच्चे और तुम्हारे बच्चे मिलके हमारे बच्चों को मार रहे होते हैं, वो देखते हैं। इस साल ईद का रेट, ईदी का रेट क्या खोलेंगे? रिश्तेदारों का अलग होता है ना, करीबी और दूर के अलग। और ईदी का रेट जो है बैनुल अक्वामी के साथ बाजारी में बढ़ता जा रहा है, तो अभी नॉर्मल इनकम भी कम होती जा रही है, इसलिए कोई कैलकुलेशन हो नहीं रही। नॉर्मल रेट 500 तो देंगे करीबी रिश्तेदारों को। 500 सबसे ज्यादा जो ईदें जिन्होंने मनाई है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर अब्दुल रजाक। रजाक भाई आप तो सदियों से ईद मनाते आ रहे हैं, आप सबसे पहले ईद पे क्या करते हैं? सुबह उठ के आप पहले शीर कोरमा खा लेते हैं, नमाज के बाद खाते हैं, क्या सेटअप है? नहीं, नॉर्मल जो सब करते हैं वही करते हैं। सब क्या मतलब, मैं तो शीर कोरमा खाते ही नहीं। आप क्या करते? मैं सुबह उठता हूँ, नमाज पढ़ने जाता हूँ, आता हूँ, बनियान में सो जाता हूँ। आप ये करते? आप भी बनियान में सो जाते? उस्मान भाई ये जो हमने देखा है शलवार और बनियान में जो लड़का सोता है नमाज पढ़ के, बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या सिर्फ मैं कर रहा हूँ या ये ये हम सब कर रहे हैं? आप भी यही करते हैं सब? कितने लोग हैं जो ऐसे ही नमाज के बाद आके सो जाते हैं शलवार? नहीं, मैं नहीं सोता, वैसे काफी लोग सोते हैं। आप भी सोते? भरपूर ईद मनाते हैं फैमिली के साथ, खानदान वालों के साथ, कजन के साथ, बच्चों के साथ। मैं नहीं सोता। आप सोते ही नहीं? आप रात को सोते, दिन को आके ये जो शलवार और बनियान वाला जो आप प्रोग्राम बता रहे हैं ये नहीं होता। अच्छा मरियम, खवातीन की थोड़ी सी मुख्तलिफ ईद होती है, मर्द पहले उठ, ईद वो वाहिद दिन है जहाँ मर्द पहले उठ जाते हैं, खवातीन बाद में उठती हैं, क्योंकि खवातीन रात को बहुत देर से मुझे पता है खवातीन पहले उठती हैं। मनाई नहीं चल रहा, एक एक करके बात करो। मरियम से पूछ रहा था मैं भी, मरियम नफीस, मैंने देखा है ये यूजुअली ऐसा होता है, खवातीन रात में काम कर रही होती हैं घर के सारे, तो लेट उठती हैं, मर्द पहले उठ जाते हैं, उठ के क्या करती हैं? उठ के क्या करती हूँ ईद के दिन? खाना शाना बनाती। खाना बनाना आता है आपको मरियम? क्या क्या दिलचस्प चीजें बना लेती हैं? ईद वाली या जेनेरिकली? ईद पे कोई खास सोने के खाने बनाती हैं? चना चाट और दही बड़े एंड ऑल। कोई चीज मुश्किल नहीं, हर कोई बना लेता है, इसके तो पैकेट आते हैं। तो मुश्किल क्या बना? असेंबल करना होता है बस। तो असेंबल करना होता है तो पार्ट आप लोग बनाकर दिखाओ हमें। ये तो सीके टिकट्स होगी गाड़ियों की, आके बना दी। पांच सुनो भाई, आप दही भले बनाने में क्या, दही लाए उसमें भले डाल दी, जब डूबने लगे ऊपर से चाट डाल दो, ऊपर से चाट। हमारे बीच में क्योंकि हारना मनाए में मोहब्बतों के सिलसिले चलते रहे, तो उन मोहब्बतों के ऊपर एक कंपाइलेशन। ये तो आपस में मिले हुए सारे साहिल लोधी, उन्होंने बोला। मेरी बात सुने, बात सुने, बैल उन्हें बजाइए ना। अब बताए ना, लंब वाले काम है, हम आपस में ना बात करेंगे। रजाक भाई सोच, आज ही रजाक हर चीज पे नहीं जरूरी दबाना। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, करने दो करने दो। बिल्कुल सही है, ये खेलना नहीं चाहते, ये वाला राउंड केप टाउन हुआ ना टेक्निकली। तो अभी मैं तीन दिन जैक बनना ना मैंने। हाँ हाँ बट ठीक है, पूछे सर। सही बात, आपने आज तक अपना जवाब नहीं चेंज किया, क्या बात यार। देखो आज आपने नहीं किया, उस्मान भाई अग्रेसिव, क्या ट्रॉफी का कमाल, आप लोगों ने एक दिन भी सुकून से नहीं जीने दिया। अच्छा भाई कायनात और रजाक भाई, आपसे मेरा सवाल है, पहले रजाक भाई से ले लूं, हमारे बुजुर्ग हैं। रजाक भाई नहीं, पहले इधर ले लें। आप हमारे बड़े हैं? नहीं, छोटे नन्हे रजाक भाई, सुने ईद आप लोग क्योंकि क्रिकेटर्स हैं, टूर यूजुअली ईद पे होते हैं, अक्सर रमजानों में भी होते हैं, तो जब टूर पे ईद कैसे मनाते हैं आप लोग? घर वाले याद आते हैं या आप लोग वो हो गए आपके इम्यून हो चुके हैं यार, होते ही नहीं घर वाले? नहीं, हर बंदे की अपनी एक फीलिंग होती है और हर बंदा एक अपने हिसाब से ईद मनाता है। और ईद का मतलब ये होता है कि जब आप अंदर से खुश हैं तो आपका उस दिन ईद है। वाह, और बहुत गहरी बात। अभी शुरू करूं कि और कुछ करना? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत गहरी बात की। कायनात ईद पे डेफिनेटली याद करते हैं, लेकिन वो टीम भी फैमिली की तरह ही है, तो कोचेस मैनेजर सबके साथ फैमिली बॉन्डिंग है, टीम की लड़कियों के साथ फैमिली बॉन्डिंग है, तो नहीं मिस डेफिनेटली करते हैं, लेकिन ईद का मजा उनके साथ भी डबल रहता है। अच्छा, तो फिर वहाँ ईदी कौन देता है? जो भी सीनियर लड़कियाँ होती हैं उनसे ईदी लेते हैं, हम कोचेस से ईदी लेते हैं एट टाइम्स, हम मैनेजर से ईदी लेते हैं। थोड़ी थोड़ी मिलेगी लेकिन मिल जाएगी। थोड़ी थोड़ी
रजाक भाई आप बताएं, कोई टीम में था ईदी देने का रिवाज? कोई बड़े प्लेयर जैसे वसीम भाई सीनियर थे, देते थे ईदी वीदी? नहीं 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 ऐसा नहीं था, लड़कों में है ही नहीं इस तरह का कुछ। हाँ ऐसा नहीं होता, ये होता ही नहीं है। बस नमाज पढ़ी, आए बनियान में सो गए। कुछ तो करते होंगे आप लोग ईद पे, कुछ भी पड़े रहते थे, यूं बैठे रहते थे क्या? ईद हो रही है, सामने ईद हो रही, क्या हो रही, क्या करते थे आप? क्यों है इतने संजीदा आप? नहीं मैंने बताया था, सेम ही जो सब करते हैं वही होता है सर। भाई हम तो बहुत कुछ करते हैं, मैं आप वो बता दूंगा तो आप कहेंगे ये नहीं करते हम। आपको पता ही नहीं है, ये लड़के चांद रात से स्टार्ट हो जाते हैं। अब आप बोलेंगे नहीं ये मैं नहीं करता भाई। चलो आपको थैंक यू वेरी मच। हाँ मैं मिठाई खोलूंगा, मिठाई के साथ ईडी भी कटो। हाँ आप ये देखो, पता नहीं चल रहा, इतनी फ्रेश लग रही, लग नहीं रहा पिछली ईद की रखी है। आप उधर रखते हैं, वो ले लेंगे, खुद ही ले लेंगे। हमारी ईदियों के लिफाफे कहाँ हैं? कभी तो वो हमारी जो मजबूत मिठाइयां हैं, मजबूत मिठाइयां। थैंक यू, इतनी सारी ले ली, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आप ले लो, क्या हालत है आप लोग? ऐसा लग रहा है लड़का देखने आए हैं। अच्छा थोड़ी सी तो ले लो रजा भाई, हाँ खा लो थोड़ा, इससे कम अज कम कोई मिठास आ जाए। ये बर्गर्स का होता है ना, उस्मान भाई कराची की तरह, कराची की तरह, पूरा गुलाब जामुन, गुटके की तरह, गुटके की तरह खाओ आप। अरे दे रहा हूँ सब मैं ना, मतलब मैडम और कुछ। ओए होए होए यार, ये रजाक भाई ने, ये रजाक भाई ने खाई है, ये मैंने खाई है, ये ले लेते हैं, ये आप खा लो, पूरी खा लो। नहीं पूरी नहीं खा सकते यार, इतने रमजान में डाइट की पूरी। चलो भाई अब मैं ऑडियंस की तरफ बढ़ने वाला हूँ, मेरे पास मौजूद हैं बहुत सारे खूबसूरत लोग। कमीज देना, सबसे पहले हम आपको कमीज देना जरा, इशू सोफे से साफ कर लो ना पूरा, हम आपको देंगे। हां ये स्वीट,